हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज भूगोल का एक टॉपिक लेकर आया हूं। उसके बारे में आप लोगों को आज बता रहा हूं कि पृथ्वी का छोटा मॉडल ही ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी का छोटा मॉडल ही क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। और इस ग्लोब को मैं एक फिगर बना करके आपके सामने तैयार किया हूं। देखिए, 90 डिग्री नॉर्थ पोल जो कहते हैं उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ पोल जिसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। और ये जो रेखा रेखा आपको दिखाई दे रहा है, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या बृहद के नाम से जाना जाता है। इसका मान होता है 0 डिग्री। बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है आपको रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसका मान होता है 0 डिग्री। ध्यान सुना है आप, जो ऊपर आप दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं आर्कटिक रेखा, जिसका मान होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ माने उत्तरी में, उत्तरी ध्रुव में। यह देखिए, जो यह दिखाई दे रहा है आपको, इसी को कहते हैं आर्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री नॉर्थ। और नीचे जो 90 डिग्री के सामने साउथ पोल दिखाई दे रहा है, इतने भाग को हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा जो 66.5 डिग्री का साउथ होता है। आगे देखिए, यह जो दिखाई दे रहा है आपको, यह है कर्क रेखा। इसे कहते हैं कर्क रेखा जो 23.2 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं। यह कर्क रेखा है जो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मकर रेखा। यह भी 23.5 डिग्री साउथ होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा, बहुत कंफ्यूज होती है आप लोगों को। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा को कहा जाता है। अब देखा आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, यह दक्षिणी में है, वह उत्तरी में है। एक बार पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया किस रेखा में पड़ता है, कर्क रेखा की मकर रेखा, तो ऑस्ट्रेलिया आपको पड़ता है मकर रेखा में पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया ये देश जो है मकर रेखा में पड़ता है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें आप, 90 डिग्री साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको हम आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक पीसीएस में पूछा गया था कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो दिखाई दे रहा है आपको 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, और एक मैंने कुल मिला के आपका 181 डिग्री। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 डिग्री होता है। ठीक, आगे देखें आप, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, कुल अक्षांश 181 होते हैं। जब रेखा पूछे जाएगा तो 1 1 2 यानी 181 में 2 घटा देंगे यानी आप 179 डिग्री होगा, 2 कम कर देंगे। तो अक्षांश रेखाओं कुल संख्या 179
और अक्षांशों की संख्या कुल 181। अब देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो आपका है अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। दो अक्षांशों के बीच को हम जोर कहते हैं, जो स्थान है। अगर दूरी पूछा जाए अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है, जब दूरी पूछा जाएगा तो 111.13 किलोमीटर कहेंगे, और जब स्थान पूछा जाएगा दो अक्षांशों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तब आप जोर बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में, अब बहुत बारीकी से पूछा गया है, इसीलिए आप इसको तैयार करिएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कितना दूरी है, ये आप तैयार रखें। और ये कक्षा दस का बच्चा हो चाहे 12 का बच्चा हो, आपको जरूर मिलेगा इसमें से क्वेश्चन। आगे वीडियो भूगोल का जल्द हम दे रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं आपको, आप खाली पढ़िए मन लगा करके और हमारे चैनल से जुड़िए, आपको फ्री वीडियो मिल रहा है। और हमारे चैनल से जुड़ करके सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कैसा आपको लगा, और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है प्यार दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द आप लोगों को हम दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।